आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस, इसको समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी भी कहते हैं। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे अनुक्रम के बारे में, सीक्वेंस के बारे में। तो अनुक्रम को समझने के लिए संख्याओं के दो समूह लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1, 3, 8, 7, इस प्रकार आगे चलते रहेंगे। तो इस समूह में हम क्या नोटिस करते हैं, नंबर वन कि सेकंड संख्या में से फर्स्ट घटाएं, तो कितने का डिफरेंस आता है, 2 का, और तीसरी संख्या में से सेकंड को लेस करें तो डिफरेंस आता है 2 का, चौथी में से तीसरी को घटाएं तो अभी 2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी हम लिख सकते हैं सेकंड संख्या माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड संख्या माइनस सेकंड और फोर्थ संख्या माइनस थर्ड, इनके अंतर क्या है, बराबर है। 3 में से घटाया 2, 5 में से 3 घटाए 2, 7 में से 5 घटाए तो 2, और या हम ये कह सकते हैं पहली संख्या में 2 जोड़ने पर दूसरी संख्या, दूसरी में 2 जोड़ने पर तीसरी संख्या, तीसरी में 2 जोड़ने पर चौथी संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। और दूसरा संख्याओं का समूह हम लेते हैं 1, 2, 4, 8, तो इसमें हम क्या नोटिस करते हैं कि दूसरी संख्या में पहली का भाग दें, दूसरी में पहली का भाग दे दिया और तीसरी में दूसरी का भाग दे दें और चौथी में फोर्थ में थर्ड का भाग दे दें, तो इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, बराबर 2 में 1 का भाग दिया 2 आया, 4 में 2 का भाग दिया 2 आया, 8 में 4 का भाग दिया 2 आया। या हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या को 2 से गुणा करने पर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर चौथी संख्या। तो इन संख्याओं के समूहों के अध्ययन के पश्चात हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यदि संख्याओं के समूह इस प्रकार हो कि उनकी प्रथम संख्या पर किसी निश्चित नियम का उपयोग करके उस समूह की आगे और पीछे वाली पूर्वगामी और पश्चगामी अन्य संख्याएं ज्ञात की जा सके तो वे संख्याएं एक अनुक्रम में कहलाती हैं। तो ये हो गया अनुक्रम, सीक्वेंस। अब हम पढ़ेंगे अनुक्रम के पद, टर्म्स। तो अनुक्रम के पद क्या होते हैं, किसी अनुक्रम की विभिन्न संख्याएं ही अनुक्रम के पद कहलाते हैं। जैसे इस अनुक्रम में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, तो पहली संख्या कहलाएगी पहला पद, दूसरी संख्या दूसरा पद, तीसरी संख्या तीसरा पद। जैसे तो ये क्या है, प्रथम पद है, ये क्या है दूसरा पद, द्वितीय पद, तीसरा या तृतीय, थर्ड और ये फोर्थ, चतुर्थ पद। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को हम शो करेंगे A1 से या केवल एक के द्वारा, तो कितना है ये 1 है। दूसरा पद क्या होगा, A2, और इसकी वैल्यू कितनी है इस अनुक्रम में, 3। तीसरा पद क्या होगा,
ए थ्री बराबर, यहाँ पांच है और फोर्थ A4 बराबर 7। तो किसी अनुक्रम में असीमित पद होते हैं, यदि किसी अनुक्रम को निर्धारित संख्या के पश्चात समाप्त कर दिया जाए, जैसे 7 के बाद समाप्त कर दिए, तो ये पद कहलाएगा अंतिम पद। जिसको हम शो करेंगे लास्ट से, लास्ट पद क्या होगा, सेवा। अनुक्रम के बाद हम समझ सकते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन एपी। तो जैसे कोई अनुक्रम है 3, 7, 11, 15, तो इस अनुक्रम में क्या है, इन दोनों पदों को अंतर कितना है, 4। इन दोनों का अंतर कितना है, 11 माइनस 7 करेंगे 4, 15 माइनस 11 करेंगे तो 4। तो यदि किसी अनुक्रम में उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान हो, कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस समान हो, तो इसे कहते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस, और पदों का अंतर कहलाता है सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का, और यहाँ कितना है, 4 का, और यहाँ भी कितना है, 4 का। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी कहलाएगी, और ये जो अंतर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वो कहलाएगा सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी के द्वारा। तो इस एपी में सार्व अंतर डिफरेंस कितना है, सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। अब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ हो और सार्व अंतर दिया हुआ हो, तो उस समांतर श्रेणी के अन्य पदों को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर पांचवा पद हमें ज्ञात करना हो, ये तो क्या है, 3 प्रथम पद है, 7 सेकंड, 3rd 4th, पांचवा पद हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, पांचवे पद में क्या जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, सार्व अंतर जोड़ देंगे, तो वो क्या आएगा, पांचवा पद आ जाएगा A5 बराबर। ऐसे 3 से पहले वाला पद भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले वाला पद ज्ञात करना हो तो उस पद में से सार्व अंतर को घटाओ, तो 3 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। ये होगा 3 से पहले वाला पद। 3 से पहले वाला पद क्या होगा, -1। -1 से भी पहले वाला पद ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, -1 में से सार्व अंतर को, कॉमन डिफरेंस को लेस कर देंगे, तो कितना आएगा, -1 -4 बराबर -5।